ये एक और एग्जांपल आपके सामने है और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके फैक्टर्स बनाने हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये, 20x² + 11x - 4। और इसके लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 4 से, ठीक है जी। 20 को 4 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 80। और अब आपने 80 के फैक्टर्स इस तरह से बनाने हैं कि जो दो फैक्टर्स का पेयर होगा उसका सब्ट्रैक्शन या एडिशन उसकी जो है वो रिज़ल्ट उसका आए 11, ठीक है जी। तो 80 के फैक्टर्स बनाते हैं, एक इसका फैक्टर है 80 का 1 और दूसरा 80। उसके बाद 2 से अगर 80 को डिवाइड करें तो 240, ठीक है जी। 4 से अगर 80 को डिवाइड करते हैं तो 420, और इस तरह 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 516। अब देखें हमें रिजल्टिंग फिगर चाहिए 11, तो यहाँ पे 80 में से 1 को माइनस करते हैं तो आता है 79। 80 में 1 प्लस करें 81, 40 में से 2 माइनस करें 38, 40 में 2 ऐड करें तो 42। सिमिलरली 20 में से 4 को माइनस करें तो 16 आंसर आता है, और 20 में से 4 को प्लस करें तो 24 आता है। तो इसके बाद ये जो पेयर है फैक्टर्स का 5 और 16 वाला, 16 में से 5 को माइनस करें तो आंसर आता है 11। तो इसका मतलब इससे आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं, ये आप साथ साथ चेक करते हैं जब आप फैक्टर्स बनाते हैं कि उनका डिफरेंस या एडिशन जो है वो आपकी सेंट्रल फिगर अगर निकल रही है तो उससे आगे आप फैक्टर्स ना बनाएं। तो यही फैक्टर हम चूज़ करेंगे, इसको हम इस तरह से लेंगे 16x - 5x, इस तरह से इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। तो ये देखें आप, यहाँ पे मैंने 11x को ब्रेक किया और इसको 16x - 5x कर दिया, तो इसका रिज़ल्ट क्या है? इसका रिज़ल्ट जो है वही 16x - 5x = 11x है। तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया और इसके बाद 20x² + 16x में कॉमन फैक्टर 4x का निकाल लिया बाहर, और अंदर ब्रैकेट किया गया 5x + 4। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 जो है वो ले लिया कॉमन फैक्टर, क्योंकि इनके अंदर कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 ही है, और अंदर ब्रैकेट किया गया 5x + 4। तो हमारा आंसर क्या आया? 5x + 4 × 4x - 1। ये 5x + 4 यहाँ से लिया और यहाँ से ये, और 4x - 1 जो है ये बाहर वाला, दोनों जो फैक्टर्स हैं इनको, ये इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। अब अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक करने के लिए 5x + 4 और 4x - 1 को मल्टीप्लाई करके अगर देखेंगे तो दोबारा से वही ऊपर वाली जो फिगर है 20x² + 11x - 4 आ जाएगी।